स्थिर हो गई है, जिसकी प्रज्ञा निष्कंप हो गई है, जिसको यह दृढ़ बोध हो गया है कि मेरा वास्तविक स्वरूप चैतन्य है, वह व्यक्ति जीते जी ही समझ लीजिए मुक्त हो जाता है। उसी को जीवन मुक्त भी कहते हैं। मुक्ति का स्वरूप वेदांत में यह नहीं है कि मरण के बाद किसी लोक में जाने से मुक्ति होती है, यह नहीं है। मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। भागवत जी में मुक्ति की परिभाषा दी थी कि मेरे अलावा जो आत्मा के अलावा जो चीज है उसमें तादात में न होवे या उसको सत्य न जाने, यही मुक्ति है। अन्यथा रूपम हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थित। स्वरूप में बैठना ही क्या है, मुक्ति है। किसी लोक लोकांतर में जाना मुक्ति नहीं है, वो तो क्या है, यात्रा ही है, केवल स्टेशन बदल गया। और किसी भी लोक में आप चले जाएं, वहां से फिर आना पड़ता ही है। आब्रह्म भुवनाल लोकान पुनरावर्ति नोर्जुना। इसलिए मुक्ति मतलब स्वर्ग में जाना नहीं या ब्रह्मलोक में जाना नहीं, बल्कि अपने ब्रह्म स्वरूप का बोध प्राप्त कर लेना जीते जी ही, इसको कहते हैं मुक्ति, मोक्ष। और जो ऐसा जीते जी ही मुक्त हो गया उसी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। जिसकी प्रज्ञा में न संशय है न विपर्य है, विपर्य मतलब विपरीत भाव, गलत ज्ञान। तो ऐसा जो ज्ञानी है बोले उसने अपने जीवन का ध्येय पा लिया, तदा योगम अवाप्स्यसि। जब अर्जुन ने यह सुना तो उसके मन में उत्सुकता आई कि ऐसा व्यक्ति कैसा होता है, तो उसने ज्ञानी के विषय में प्रश्न किया। श्रीमद् भगवत गीता में हम देखते हैं कि अर्जुन को भगवान ने पूरी स्वतंत्रता दी है प्रश्न करने की, छूट दी है। और ये अपने सारे शास्त्रों की विशेषता है कि यहां शिष्य जो है वो अपने संशय या प्रश्न को सामने रख सकता है, बल्कि यहां तक बोला कि उसको रखना ही चाहिए। शिष्य का एक लक्षण ही बताया कि वो प्रश्न करे, क्योंकि प्रश्न करने पर ये समझ में आता है कि उसने सुना है कि प्रश्न किस प्रकार का है। ये श्रवण करके गुरु को शिष्य के अंतःकरण की स्थिति समझ में आती है। प्रश्न इज द इंडिकेटर, संकेतक है कि आपका मनन कितना है, आपका मन कैसा है। तो अर्जुन ने बिल्कुल टू द पॉइंट प्रश्न किया है। टू द पॉइंट मतलब जो विषय चल रहा था उसी से संबंधित प्रश्न। कई बार हम लोग प्रश्न उत्तर का सत्र करते हैं और उनको ये बताया जाता है कि जो विषय चला है उसी से संबंधित प्रश्न कीजिए, लेकिन फिर भी लोग ऐसे विचित्र प्रश्न करते हैं जिसकी कोई चर्चा हुई नहीं, तो वो प्रश्न उस विषय से संबंधित नहीं होता। अभी नासिक में हमको यह अनुभव हुआ, कुछ बनता ही कुछ अलग ही पूछ, पिशाचिनी विद्या क्या है, अब मैंने उसकी कोई चर्चा की नहीं।
तीसरा अध्याय कर्म योग सीधे सीधे बता रहे हैं। हमने कहा कि कोई इससे संबंधित पिशाच क्या होता है, हमने कहा अलग से चर्चा करेंगे। तो यहां प्रश्न किया है और ये प्रश्न हम सबका ही है, कई बार अपने मन में ये आता है कि ब्रह्म ज्ञानी को कैसे पहचाने। तो यहां लक्षण जो बताए हैं बड़े सुंदर लक्षण है, वो आदर्श लक्षण है। और ये लक्षण इसलिए बताएं कि इसके द्वारा हम अपने को पहचाने कि हम कहां हैं। संस्कृत में आदर्श का अर्थ होता है दर्पण। दर्पण मतलब होता है आदर्श, दोनों ही शब्द है, आईना और क्या शब्द होता है हिंदी में कहते हैं मिरर। तो दर्पण आईना मराठी वाले का कांच, आरसा, आरसा। तो जो भी है तो उसमें क्या होता है, हम अपने को देखते हैं। गुरु जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि आईना भी जगत की ही एक वस्तु है। टेबल है, कुर्सी है, माइक है, जैसे दुनिया की चीजें हैं उन्हीं में से एक वस्तु है आईना। लेकिन अद्भुत बात होती है, जब आप टेबल को देखते हो तो टेबल की वृत्ति बनती है और टेबल के बारे में हम सोचने लगते हैं, इसकी हाइट इतनी है, इसकी चौड़ाई इतनी है। लेकिन जब आईने को देखते हैं तो ध्यान आईने की ओर नहीं जाता, किस ओर जाता है अपने। तो वास्तव में जब आप आईने को देखते हो तो आत्मदर्शन करते हो, स्वयं का दर्शन करते हो। कोई आपको कहता नहीं कि आपके बाल ठीक नहीं है, आप स्वयं ही आईने को देख के अपने हाथ से अपने बाल ठीक करते हो। हमारे स्वामी बड़ा मजाक में कहते रहे, जब भी आप आईने को देखते हो तो लगता है कि इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं अपने चेहरे पे, थोड़ा ठीक ठाक कर ही लेते हैं। तो आईना बार बार आपको बताता है आप ऐसे दिख रहे हो, ऐसे दिख रहे हो, कुछ गंदगी लगी है तो तुरंत वो बताता है। तो शास्त्रों को भी क्या कहा है, बोले ये दर्पणवत है। तो ये जो वर्णन आगे हम लोग पढ़ रहे हैं ये क्या है, आईना है, दर्पण है, हम इसमें अपने को देखें। अच्छा, दर्पण में चेहरा हम तभी देख सकते हैं जब आपकी आंखें खुली हो, नहीं तो संस्कृत में एक सुभाषित है ना, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणं किं करिष्यति। लोचन यदि न हो तो दर्पण क्या करेगा, आप खुले नहीं तो अपनी अपनी गंदगी अशुद्धि देख नहीं सकते। दर्पण तो दिखाने के लिए तैयार है लेकिन खुली आंख से देखना तो पड़ेगा। एक व्यक्ति आंख बंद करके सामने आईने के सामने खड़ा है, बोले भाई क्या कर रहे हो, बोले मैं देखना चाहता हूं कि नींद में मैं कैसा दिखता हूं। आप कितना भी प्रयत्न करे वो देख नहीं सकता, दूसरा व्यक्ति देख सकता। तो आंख खोल के देखना मतलब क्या कि शास्त्र तो है अपने पास लेकिन उसको बुद्धि से जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक शास्त्र मौन है। शास्त्र केवल क्या है, शब्द है। तो इसलिए इन श्लोकों को समझें, ये आंख खोल के देखें। तो भगवान यहां कहते हैं कि भाई देखो अपनी पहचान करो, ये आदर्श है ज्ञानी का जीवन।
इनमें से कुछ गुण भी यदि हमें आ जाए तो अपना जीवन हम सफल बनेंगे। पहला यहां गुण क्या बताया या लक्षण क्या बताया, तो बोले सर्वान कामान मनोगतान प्रजहाति। जिसके जीवन में से इच्छाओं का जो एक प्रवाह है, इच्छाओं की जो मात्रा है वो क्या हो गई है, समाप्त हो गई, खत्म हो गई, शांत हो गई, बस बोले वो क्या हो गया, स्थित प्रज्ञा, ये पहला लक्षण होता है। अच्छा यहां लिखा है मनोगतान कामान, कल इस पे हम चर्चा कर रहे थे, जानबूझ के भगवान कहते हैं कि कामना मन के अंदर है। इसका मतलब ये है कि कामना आत्मा का धर्म नहीं है, हाँ। आत्मगतान कामना नहीं लिखा है कामन, बल्कि क्या मनोगतान, अपने व्यक्तित्व के अनेक घटक हैं और हर घटक का अपना एक धर्म है। शरीर का धर्म क्या है, तो बोले बढ़ना, रोगी होना, मरना, वृद्ध होना, ये शरीर के धर्म है। प्राणों के धर्म बताया भूख और प्यास, भूख प्यास जो है प्राण का धर्म है। ऐसे ही मन का धर्म क्या है, तो बोले भावनाओं का अनुभव करना, भावना, विकार, वृत्ति, राग द्वेष, काम क्रोध, ये सब कहां है, तो बोले मन में। बुद्धि का धर्म क्या है, तो बोले विचार, चिंतन, निर्णय, निष्कर्ष, विश्लेषण, एनालिसिस, ये किसके द्वारा करते हैं, बुद्धि के द्वारा। आत्मा का धर्म क्या है, तो बोले अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, सत्ता। आत्मा सत रूप है, सत। आत्मा क्या है, चित्त। चित्त मतलब हम सबको अपने अस्तित्व का भान है कि मैं हूं, अहम अस्मि, अहम अस्मि, तो ये आत्मा का धर्म है। तो यहां पर बता दिया, स्पष्ट कर दिया कि मन को यदि आप देखें तो मन में ये काम आदि सारी वृत्तियां दिखाई गई, काम संकल्प संदेहो श्रद्धा श्रद्धे धृति तरे रीर धीर वीर तेवमादीन भासयत्ते कदाचिति। बड़ा सुंदर श्लोक है, दुर्दृश्य हुए सारी वृत्तियों को गिन रहा, वृत्तियां तो अनंत है लेकिन कुछ वृत्तियों के नाम ही दे दिए, बोले ये सारी वृत्तियां क्या है, मन है, काम संकल्प संदेह श्रद्धा अश्रद्धा धृति मतलब धैर्य रीर धीर भी लज्जा भय, ये देखो मन में कितनी वैरायटी है, कितनी प्रकार की वृत्तियां। कहते हैं एक दिन में 24 घंटे में लगभग 60,000 वृत्तियां अपने मन में आती है। जैसे कोई पंखा होता है ना, तो पंखा घूमता है तो एक मिनट में कितना घूमता है उसको लोग मेजर करते हैं, रिवॉल्यूशन पर मिनट, आरपीएम। ऐसे अपना मनीराम भी घूमता है, और मनीराम में या मन में आरपीएम नहीं, टीपीएम, थॉट पर मिनट। जो व्यक्ति जितना अधिक चंचल होगा उसके मन में एक मिनट में हजारों और मन शांत होना मतलब क्या, दो वृत्तियों के बीच में बहुत गैप होना, एक मिनट में चार वृत्तियां ही आई
मतलब उसका मन क्या है, शांत है। दो ही वृत्तियां हैं और अधिक शांत है। वृत्तियों के बीच का अंतराल यदि बढ़ता जाए तो बस ये शांत। तो यहां पर कहते हैं कि ये ज्ञानी के मन में बहुत ज्यादा वृत्तियां नहीं है, क्या है, शांत है। इसलिए प्रजहाती, नहीं तो अपनी अपने मन को आप देखे तो इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं होता, चलती रहती आती रहती, एक इच्छा पूरी नहीं हुई दूसरी। वो होता मजेदार, एक इच्छा में से दूसरी इच्छा नहीं करती, दूसरी में से तीसरी नहीं करती। वो आपने एक असुर का नाम सुना होगा रक्त बीज, और रक्त की तक उसमें मरने तक व्यक्ति के भीतर कामनाएं चलती रहती है। इसलिए जिसको फांसी की सजा होती है उसको भी पूछा जाता है आपकी अंतिम इच्छा क्या है। देखो मरण सामने है फिर भी कामना कभी शांत नहीं। अंतिम इच्छा क्या है, तो उसने कहा यही इच्छा है कि उसको फांसी ना हो। नहीं बोले उसके अलावा वो तो कामना है व्यक्ति को चंचल बनाती है। देखो हम शांति से बैठे हैं, कौन आपको डिस्टर्ब करता है, बाहर एकदम शांत है लेकिन हम अशांत है, अशांत करने वाली इच्छा ही है। जितनी ज्यादा इच्छा है उतनी अधिक अशांति, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसको कहते हैं। शांति से बैठे हैं, इच्छा है कि भाई चाय के बाद बैठेंगे, चाय पीने के बाद, चाय की इच्छा आपको उठा रही है। तो यहां पर ऐसा ही कैसे हो जाता है इस ज्ञानी के जीवन में कि इच्छाएं नहीं रहती, तो उसका कारण यह है कि उसको अपने आत्मतत्व में ही सुख है, सुख के लिए इधर उधर उसको जाना नहीं है। ये इच्छाएं हमको क्या कहती है मालूम है, इच्छाएं कहती है आपको शांति चाहिए ना, हमको पूर्ण करो आपको शांति। इच्छा आपको उठाती है, बोले मेरे को पूर्ण करो तो आप तृप्त हो जाएंगे। अब लेकिन यदि कोई व्यक्ति पहले ही तृप्त है तो उसके मन में क्यों इच्छा है। देखो बाहर जाने की इच्छा किसके मन में आती है, जो घर में सुख अनुभव नहीं करता है। बोले जरा घूम के आते हैं, बैठे बैठे क्या लोग होते हैं, बोर हो गए। जिसको घर में ही मजा है वो घंटों, कई लोग हमने देखे कमरे से बाहर ही नहीं निकलते। दूसरे लोग होते हैं कमरे में कोई जाते ही नहीं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। जिसका जिसको घर में ही शांति है वो क्यों चौराहे पे जाएगा, क्यों बाजार में जाएगा। एक व्यक्ति ऑफिस में बहुत देर तक काम करता है, रात में 9 बजे 10 बजे, लोगों ने कहा होगा तुमको बहुत काम करने का शौक है। उनके ऊपर वो कहने लगा घर के बजाय यहां ज्यादा शांति है। काम करने का शौक नहीं, जहां शांति वहां। इसलिए हम दूसरी पंक्ति में लिख दिया आत्मनेवापना तुष्ट, बस स्वयं में संतुष्ट है। देखो संतोष का उल्टा क्या है, लोभ। संतोष का उल्टा क्या है, लोभ। लालची व्यक्ति को ये चाहिए वो चाहिए। संतोष का अर्थ क्या होता है, शंकराचार्य जी बड़ा अच्छा लिखते हैं, अलम प्रत्यय। अलम एक संस्कृत में शब्द है, अलम मतलब बहुत है, बस अब हमको कुछ नहीं चाहिए। ये जो वृत्ति है ना इसको कहते हैं संतोष।
या अलम, यहां लिखते हैं स्वेन एव बाह्य लाभ निरपेक्ष तुष्ट, बिना बाह्य लाभ के वह व्यक्ति क्या है संतुष्ट है, मतलब बहुत है अपने में, बहुत है हमको कोई कमी नहीं है। एक वाक्य हमने बड़ा अच्छा पढ़ा, बोले जो मिला नहीं है उसका गम नहीं है और जो मिला है वो कम नहीं है, जो मिला है वो कम नहीं है, जो नहीं मिला है उसका गम नहीं है, इसको कहते हैं संतोष। तो बाह्य वस्तु के लाभ से मुझको सुख मिलेगा, ये जो अपने भीतर वृत्ति बैठी है ये उसमें नहीं है। परमार्थ दर्शन अमृत रस लाभेन अन्यस्मात अलम प्रत्ययवान, जो आनंद जो सुख वो व्यक्ति चाहता है उसको आत्मदर्शन से ही मिलता है, अमृत रस लाभ, इसलिए वो अपने में ही रमता है। देखो ये बहुत बड़ी खोज है, बहुत बड़ी खोज है कि हम अपने में सुख ढूंढ ले, इससे बड़ी कोई खोज नहीं हो सकती है। सारी भटकन हमारी समाप्त हो जाती है जब हम अपने में सुख देखते। उपनिषद में ऐसे व्यक्ति को कहा आत्माराम, आत्माराम मतलब जो आत्मा में ही रमण कर रहा है। हम लोगों को रमण करने के लिए मालूम नहीं कितनी चीजें चाहिए, तब जाके थोड़ा आनंद या सुख मिलता है, लेकिन ये व्यक्ति बड़ा अद्भुत है, स्वयं में लोग कहते हैं अरे अकेले आप बोर नहीं हो जाते, अपनी वृत्ति क्या है जब तक तो कुछ खाने को नहीं मिले, पीने को नहीं मिले, देखने को नहीं मिले, घूमने को नहीं मिले, तब तक सुख कैसे मिलेगा। मतलब अनजाने में हमने ये मान लिया है कि सुख तो मेरे में नहीं है, सुख कहाँ है, कहीं ना कहीं बाहर है, मानव है। और जिसकी जहां कल्पना की है, जिसने कि यहां सुख वो आ जाता है, किसी को लगता है संगीत में सुख है, किसी को लगता है कविता में, किसी को लगता है भोग में, और नाना तरह क्या है विषय। तो अब प्रश्न ये है कि सुख स्वयं में है कि विषय में है। तो हमारे स्वामी जी कहते रहे जब तक स्वयं में नहीं दिखता तब तक हम बाहर बाहर देखते, लेकिन ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है। गुरु जी बड़ा अच्छा कहते हैं ये वेदांत मतलब डिस्कवरी चैनल है, टीवी पे आती है ना डिस्कवरी चैनल, नहीं मालूम मालूम है, बोले हम तो सास बहू के सीरियल देखते हैं तो डिस्कवरी चैनल तो उसमें है दुनिया में क्या क्या खोज हुई है, क्या क्या चीजें हैं, वो सब बताते हैं। तो ये आत्मचिंतन भी क्या है, अपनी ही खोज है। और जब व्यक्ति अपने को खोज लेता है तो उसको जो उपलब्धि मिलती है वो क्या है, बोले आनंद, आत्मानंद इसको कहते हैं। तो इसी के लिए आत्मनिएव आत्मना तुष्ट, अब बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, स्वयं में ही वो आनंद में है। अंग्रेजी में एक वाक्य बोलते हैं हम लोग एंजॉय योर सेल्फ, अपने में आप क्या रहो खुश रहो, लेकिन ये वाक्य तो सुन लेते हैं लेकिन कहां रह पाते हैं, मैं प्लस कुछ कुछ चाहिए, अकेले भी बैठे हैं तो मैं प्लस व्हाट्सएप, मैं प्लस मोबाइल, मैं प्लस टीवी। हाँ, हमारे स्वामी जी कहते हैं बोले एक दिन आप व्रत ले लो, व्रत करो, जैसे आप एकादशी का व्रत करते हो तो बोले हम रोटी नहीं खाएंगे, चावल नहीं खाएंगे, ऐसे एक दिन इलेक्ट्रॉनिक व्रत करना है कि आज हम व्हाट्सएप नहीं देखेंगे, बड़ा कठिन है, एकादशी से ज्यादा कठिन है
एक दिन तो बहुत बड़ी बात है, एक घंटा जो है बिना उसके नहीं रह पाते। लेकिन अमेरिका इत्यादि में हम देखते हैं वहां पे व्हाट्सएप अगर बिल्कुल यूज नहीं करता, बहुत कम, बहुत ही रह जाता। हम लोग तो हर मिनट में देखते रहते हैं किसका मैसेज किसका मैसेज। इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी निर्भरता हो गई है। किसी ने कहा कि मोबाइल मतलब आपके शरीर का मानो कि कोई एक्सटेंडेड भाग हो, जैसे आप हाथ पैर के बिना नहीं रह सकते वैसे। तो इतनी ज्यादा बहिर्मुखता है यहां, बिल्कुल अलग स्थिति है। देखो आनंद के बिना तो व्यक्ति नहीं रह सकता, ये बड़ी सीधी बात है। जैसे जीने के लिए आपको श्वास चाहिए, वायु चाहिए, भोजन चाहिए, वैसे ही मन की भी एक भूख है ना, वो क्या है, आनंद। अब ये अपने ऊपर है कि वो आनंद हम कहां देख रहे हैं। जब विषयों में आनंद नहीं दिखता तब फिर एक ही चीज बचती है, वो है मैं। भाई दो ही चीज है ना, संस्कृत में कहते हैं इदम और अहम। जब इदम में इच्छित आनंद नहीं मिलता तो फिर कहते हैं इदम में नहीं है तो कहां है, अहम में। और यही सत्य है, विषय में यदि आनंद होता, धन में यदि आनंद होता तो धनी लोग सबसे अधिक क्या होते, खुश होते। जिनके पास समस्त सुविधाएं हैं वो सबसे ज्यादा क्या होते, सुखी होते। आपको सुनाया होगा पहले, एक व्यक्ति के पास कोई सुविधा नहीं है, एसी नहीं है, पंखा नहीं है, तो उससे पूछा आप कैसे हो गए, तो बोले हम दुखी हैं और हमारे पास कंफर्ट भी नहीं है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सुविधाओं को कंफर्ट्स। तो उसने अंग्रेजी में कहा आई एम अनकंफर्टेबली अनहैप्पी, दुखी भी हूं और सुविधाएं भी नहीं है। अच्छा, अब उसने जो है प्रयत्न किया, मेहनत की और सारी सुविधाएं जुटाई, अब उसके पास सब सुविधाएं। अब उससे पूछा अब आप कैसे हो, तो कंफर्ट तो सब आ गए उसके पास, लेकिन उसका दुख बोले अभी गया नहीं। तो उसने कहा मैं अब कंफर्टेबली अनहैप्पी। दुख वैसे ही रहा, अब सुविधाओं के साथ में दुखी, पहले सुविधाओं के बिना, पहले साधे रुमाल से आंसू पोंछता था, अब रेशम के रुमाल से आंसू पोंछता, पहले साइकिल पर बैठ के दुखी था, अब मर्सिडीज में बैठ के दुखी। ये जीवन का सत्य है। हमारे स्वामी जी कहते हैं कि घर में जो है सब कुछ है, क्या सोफा सेट, टीवी सेट, टी सेट, लेकिन ऑलवेज अपसेट। है कि नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ ज्ञानी को देखिए, 12 सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं, लेकिन आनंद के मामले में बड़ा वो धनी है। हम आनंद के भिखारी हैं। तो देखो ये खोज लेना कि आत्मा में आनंद है, यही ज्ञान का क्या है, फल है। हाँ, ये सब ज्ञान हम क्यों प्राप्त करें, आत्मज्ञान, क्योंकि ये बात समझ में आ जाएगी कि आत्मा में ही आनंद है। अच्छा, आत्मा में आनंद है आप बार बार कह रहे हैं, इसको कैसे समझें, इसका हेतु क्या है, कारण क्या है, तर्क से कैसे समझा जाए कि मैं आनंद रूप हूं, ऐसे तो समझ में आता है। किसी को यह नहीं लगता क्या कि मैं आनंद हूं, आनंद के लिए कहीं ना कहीं मुझको जाना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, यही लगता है प्राय तो। और वेदांत ठीक उल्टा कहता है कि आनंद आप में।
तो इसके लिए तर्क क्या है, युक्ति क्या है? जिन लोगों ने ये पढ़ा होगा वेदांत उनको मालूम होगा, तर्क यहां पर ये है कि हर व्यक्ति खुशी के लिए प्रयत्न कर रहा है, कर रहा है कि नहीं, बोले हाँ कर रहे हैं। सब लोगों को आनंद चाहिए, बस बोले यही दिखाता है कि आप आनंद रूप हैं। ये कैसे किया? तो प्रकृति में, जगत में एक नियम ये देखा जाता है कि हर वस्तु अपनी अपने स्वभाव की ओर चलती है। ध्यान से इसको सुनना, पक्षी को यदि पिंजरे में रख दिया जाए तो वो पूरा प्रयत्न करता है कि मैं पिंजरे से बाहर निकलूं। क्यों? क्यों बोलिए? क्योंकि उसका स्वभाव उड़ने का है। पानी नीचे की ओर ही बहता है, क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव ही। अग्नि की ज्योत ऊपर ही ऊपर चलती है, आप चाहे कितना नीचा करो, क्योंकि उसका स्वभाव ही है। वायु का स्वभाव ही चलना है, इसलिए जहां आपकी खिड़की खोली तो निकल जाएगी। तो अर्थ क्या हुआ इससे? यदि हम आनंद की ओर चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा स्वभाव भी क्या होना चाहिए? आनंद का ही होना चाहिए, नहीं तो हम आनंद के लिए प्रयत्न नहीं करते। तो आनंद के लिए प्रयत्न ये दिखाता है कि हमारा स्वरूप आनंद रूप है। अच्छा, यदि मेरा स्वभाव आनंद रूप है, स्वरूप आनंद रूप है, तो मैं फिर दुखी क्यों हूं? भाई जी, मेरा स्वभाव ही आनंद है, अभी अभी सिद्ध हुआ, तो मैं दुखी क्यों हूं? तो बोले इसलिए कि हम अपने को जानते नहीं है। न जानने के कारण हम आनंद रूप होते हुए भी अपने आप को क्या समझ रहे हैं? दुखी। जैसे आपके जेब में चाबी है और फिर भी आप बाहर ढूंढ रहे हो, तो क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि वो अपने जेब में। जिस क्षण मालूम हो जाएगा कि ये मेरे जेब में, उसी क्षण आपकी खोज क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। ऐसे गुरुदेव का एक वाक्य है, डोंट पुट की ऑफ हैप्पीनेस इन अदर पर्सन्स पॉकेट, दूसरे की जेब में आप आनंद की चाबी मत रखिए। हमने यही रख किया हुआ है। तो अपना स्वभाव आनंद का है, स्वभाव होते हुए भी यदि हम आज उसका नहीं अनुभव कर रहे हैं तो उसका कारण है अज्ञान। तो अज्ञान की निवृत्ति से ही यहीं पर आनंद की प्राप्ति होगी। तो यहां पर ये जो ज्ञानी है, इसको ये ज्ञान हो गया है, इसलिए वो आत्मनिएव तुष्टः हो। तो अज्ञान जब तक रहेगा तब तक ये भ्रांति बने रहेगी कि विषय में सुख है, लेकिन जहां ये भ्रांति गई विचार से, विचार कहां पे होगा, कैसे होगा? तो बोले जब आप श्रवण करो। श्रवण कब होगा? तो बोले जब आप कैंप में आओगे या सत्संग करोगे। तो जितना जितना ज्ञान होगा उतना उतना मन शांत होते जाएगा। बिल्कुल ये होता है, सत्संगत्वे निसंगत्वम। ये तो आत्मनिएव आत्मना तुष्टम, उसका अज्ञान खत्म हो गया इसलिए उसको संतोष, उसने अपने स्वभाव को पहचान। आज अपने स्वभाव पे क्या हुआ है? आवरण बढ़ा हुआ है। सूर्य जो है बड़ा तेजस्वी है, प्रकाशमान है, लेकिन जब बादल उस पे आ जाता है तो वो भी कैसा लगता है? फीका फीका, स्वभाव के विरुद्ध उसका है ना स्वरूप दिखता है। बोले आज सूर्य में कोई प्रकाश ही नहीं लगा है। प्रकाश तो है लेकिन क्या है? आवरण के कारण उसका आनंद हम नहीं ले पाते। तो अपने जीवन में भी यही बात घटित हुई है।
तो ज्ञानी ने इस आवरण को हटा दिया। जैसे आवरण हटा, स्वरूप का अनुभव हुआ, स्वरूप का अनुभव हुआ तो मालूम पड़ा आनंद यही है। जब यही आनंद है तो फिर इच्छाएं क्यों करेगा? ऐसा इसमें क्या है, क्रम है। तो इस पहले श्लोक में दो लक्षण बता दिए कि वह आत्मसंतुष्ट है क्योंकि ज्ञान है, और उसका परिणाम यह हुआ कि इच्छाएं शांत हो गई। निरिंधन इव अनद, विवेक चुड़ावणी में बहुत सुंदर गुरु का वर्णन किया। बोले गुरु कौन है? तो बोले जैसे अग्नि तब तक जलती रहती है जब तक ईंधन होता है, फ्यूल। ईंधन खत्म हो जाए तो वो अग्नि क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। ऐसे ही अपने मन को जलाने वाली कौन चीज है, कामना है। कामनाएं जैसे शांत हो गई, मन शांत, और कामनाएं शांत कब होगी, तो बोले जब हमको अपना ज्ञान होगा। अब यहां पे अगला लक्षण, लक्षण गिनते चले जाइए। अब तीसरा लक्षण क्या होता है, तो ये 56वें श्लोक में, दुखेष्वनुद्विग्न मनाः, सुखेषु विगत स्पृहः, वीतराग भय क्रोधः, स्थितधीर्मुनिरुच्यते, दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः, सुखेषु विगत स्पृहः, वीतराग भय क्रोधः, स्थितधीर्मुनिरुच्यते। भगवान कहते हैं स्थितधीर्मुनिरुच्यते, बोले उसको मुनि कहते हैं। अब ये भगवान ने नया शब्द दिया, स्थित करने के लिए क्या बोला, मुनि। अच्छा भाई मुनि मतलब कौन, तो बोले जिसने मनन किया है वो कौन है, मुनि। और एक और शब्द दे दिया स्थितधि। ये स्थितधि शब्द किसने बोला था पहले, अर्जुन ने, उसके प्रश्न में देखिए स्थितधि। तो भगवान ने कहा चलो भाई तुम्हारा ही शब्द में उधार ले लेते, तो तुम पूछ रहे हो ना स्थितधि कौन है, स्थित प्रज्ञ कौन है, तो बोले मैं एक नया शब्द देता हूं, वो मुनि है। अच्छा, और उसी मुनि का क्या लक्षण है, तो अगला लक्षण, दुखेषु अनुद्विग्न मनः, बोले दुखों में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, दुखेषु अनुद्विग्न। अच्छा दूसरा क्या, सुखेषु विगत स्पृह, सुखों में जिसकी स्पृहा नहीं है, स्पृहा मतलब आसक्ति, स्पृहा मतलब ये वृत्ति कि ये सुख न जाए, उसको पकड़ रखने की जो इच्छा है उसको कहेंगे स्पृहा। तो ये दो चीजें उसके जीवन में नहीं है, दुखों में वह उद्विग्न नहीं हो रहा है, विक्षिप्त या डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, और सुखों में ये नहीं कि ये सुख जाए ही ना, ये दोनों चीजें। तीसरा क्या बताया, जिसमें तीन चीज नहीं है, न राग है, न भय है, न क्रोध है। मतलब जो विरागी है, जो अभय है, और जो शांत है, उल्टा करो, ऐसा व्यक्ति ज्ञानी है। अब यहां देखिए बड़ा सुंदर ये श्लोक है, इसमें जो पहला ही शब्द दिया है दुखेशु, ये दुखेशु ये बहुवचन है, मतलब अनेक दुखों में, और सुखेषु अनेक प्रकार के सुखों में। अब इस वाक्य से भगवान ये संकेत कर रहे हैं कि ज्ञानी के जीवन में भी सुख और दुख दोनों आते हैं। ध्यान से सुनना,
ये सुख और दुख परिस्थितियों के नाम है, सुखद परिस्थिति और दुखद परिस्थिति। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि ज्ञानी होने के बाद उसके जीवन में दुख आएगा ही नहीं, ये गलत ज्ञान है। बोले इतना ज्ञान प्राप्त कर गया फिर भी जो है हमको तो बुखार आ ही रहा है, अरे बुखार और ज्ञान क्या समझ। इतना ज्ञान होने पर भी देखो कोरोना हो ही गया, अरे कोरोना को मालूम नहीं तुम ज्ञानी हो गए। सो ये कल्पना लोग कर लेते हैं कि ज्ञानी होने के बाद क्योंकि वर्णन आता है आनंद आनंद मतलब उसके जीवन में कोई दुख आएगा नहीं। अरे एक नहीं है बहुवचन में आ दुखों की बहुचार हो सकती है। देखो जो परिस्थितियां है ना, परिस्थिति का कारण है कर्म प्रारब्ध, ज्ञान से उसका संबंध नहीं है। परिस्थिति ये प्रारब्ध का परिणाम है। प्रारब्ध वशात परिस्थितियां आएंगी, कभी सुख कभी दुख, पिछले कर्मों के अनुसार। और परिस्थिति पे ज्ञानी का भी नियंत्रण नहीं है, ध्यान देना, परिस्थिति पर किसी का भी नियंत्रण नहीं है। ये परिस्थिति जो है कर्म वशात है और कर्म इतना ताकतवर है, आपको बताया है कर्म जो है ना सब आपकी सुरक्षा इंतजाम को तोड़ के फल देने के लिए आई जाता है। दशरथ महाराज जिनका की क्या पुत्र कौन है, स्वयं भगवान राम, लेकिन उनके हाथ से वो कर्म हो गया तो आया कि नहीं फल उनके जीवन में आया। पुत्र वियोग वो फल होना था तो महल है कुछ भी हो फल तो जाके करता है। इसलिए कहते हैं गहना कर्मणो गति, कहते हैं ईश्वर माफ कर देता है लेकिन कर्म माफ नहीं करता। तो ये कर्मजन्य परिस्थितियां हैं। इसलिए पहला पॉइंट यहां ये नोट करना है कि ज्ञानी भी विभिन्न परिस्थितियों से गुजरता है। अब दूसरी बात यह है कि परिस्थिति को हम कैसे हैंडल करें। हाँ, इसमें ज्ञान और अज्ञान की भूमिका है, ठीक है ना। देखो व्यवहार में भी आप देखते हैं जो मैच्योर व्यक्ति होता है परिपक्व होता है वो परिवार के संकटों को बड़े अच्छे से हैंडल कर लेता है, है कि नहीं व्यवहार में आप। और जो परिपक्व नहीं वो जरा जरा सी परिस्थितियों से इतना डिस्टर्ब हो जाता है, उद्विग्न हो जाता है। लेकिन जो परिपक्व मानस वाला है वो उसको बड़े आराम से, तो ये ज्ञानी और भी परिपक्व है, सबसे परिपक्व है। इसलिए कहते हैं गुरुणा भी दुखे न विचार लेते, भारी से भारी दुख आने पर भी वो विचलित नहीं होता, उसके भीतर ज्ञान का बल है। ज्ञान के कारण मन में एक ऐसी लेयर बनी हुई है मानो कि वो दुख जो है उसको दुखी नहीं कर पाता। एक संत ने बड़ा अच्छा कहा, बोले दुख भी ऐसे व्यक्ति के पास आके दुखी हो जाता है। बोले इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। दुखे जो अनुद्विग्न, परिस्थितियां तो आएगी, एक होती है परिस्थिति और दूसरी होती है मनस्थिति, सुना ना। तो चूंकि उसका मन ऐसी जगह स्थित है कि जहां दुखों का स्पर्श हो ही नहीं सकता, स्वामी अखंडानंद जी महाराज बड़ा अच्छा कहते थे, बोले आप कचरे के ढेर पे खड़े होके ये कंप्लेंट करें कि हमारे ऊपर कोई कचरा न डाले, ये कैसे होगा। यदि हम चाहते हैं कि अपने पर कचरा न डले तो आप वहां से हट जाइए। तो हम शरीर से जुड़े रहकर परिस्थिति में आसक्त होकर हम चाहे कि हम सुखी दुखी न हो, ये हो नहीं सकता।
अपने को थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा, तो फिर परिस्थितियां आपको प्रभावित नहीं कर सकती। देखो तो परिस्थितियां तो आएगी क्योंकि वो तो कर्मजन्य है, और कितने कर्म कौन से कब फलीभूत होंगे इसके ऊपर अपना कोई वश नहीं है। हम जानते भी नहीं कौन कौन से कर्म हमने किए होंगे, इसलिए जब परिस्थिति आती है तो लोग एकदम उनके मुख से निकलता है, मालूम नहीं कौन से जन्म का हमने पाप किया, ये बताइए इस जन्म में तो हमने कुछ नहीं किया, लोग भगवान से शिकायत करते हैं। क्या है परिस्थितियां हैं, लेकिन इस ज्ञान के कारण क्या होगा, उसको सहन करने की जो ताकत है वो ऐसी जबरदस्त रहेगी कि व्यक्ति शांत हो रहा है। देखो जैसे रास्ता है, रास्ते पर आप चलते हो तो रास्ते में वो आते हैं क्या स्पीड ब्रेकर, तो वो स्पीड ब्रेकर आते हैं, तो आप चाहे मर्सिडीज में जाओ, बीएमडब्ल्यू में जाओ या बैल गाड़ी में जाओ, स्पीड ब्रेकर तो आएंगे, लेकिन फर्क क्या होगा, जो बैल गाड़ी या साधारण गाड़ी में जा रहा है उसको ज्यादा झटके लगेंगे, लेकिन जो अच्छी गाड़ी में जिसके शॉक एब्जॉर्बर अच्छा है उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि वो क्या है, इतना स्मूथली उस पे से वो पार हो जाएगा। तो ये अध्यात्म ज्ञान मतलब क्या है, शॉक एब्जॉर्बर, इसको एक स्वामी जी कहते थे शोक एब्जॉर्बर, शोक तत्र को मोह कशोक एकत्र अनुपस्थित, तो शोक की परिस्थिति नहीं होगी ऐसा तो हो नहीं सकता। स्वामी विवेकानंद जी अपने मित्र के मरण पर रो रहे थे, तो लोगों ने कहा अरे आप तो ज्ञानी हैं आप रो रहे हैं, तो विवेकानंद ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, उन्होंने कहा ज्ञान आपको कोई पत्थर नहीं बना देगा कि जीवन में कुछ भावनाएं नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो भावनाएं कितनी देर तक आपको प्रभावित करेंगे ये है, जीवन भर वो रोता नहीं रहेगा। देखो दुख आए लेकिन क्या है, थोड़ी देर के बाद हम अपने स्वरूप में वापस आते हैं, जो ये जीवन भर प्रोलॉन्ग करते हैं ना ये अज्ञान का होता है। 10 साल 20 साल पहले की घटी हुई घटना आज भी उसको याद करके रो रहे हैं, 10 साल पहले इस व्यक्ति ने मुझको कहा था मैं मूर्ख हूं, उसको याद करके दुखी हो रहा है, अरे भैया तो न विमुंचति दुर्मेधा, गीता में कहा है छोड़ नहीं पाता हो। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति का कैसा होता है, जैसे गरम गरम तवे के ऊपर पानी कितने देर रहता है, थोड़ी देर के लिए रहता है उड़ जाता है। दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्व, दुख के कारण वो देखो एक शब्द है उद्वेग, उद्वेग एक होता है वेग और एक उद्वेग, वेग मतलब होता है गति ना, उद्वेग का अर्थ क्या होता है, अपने चित्त में कोई ऐसी चीज आ जाए जो प्रतिकूल हो उसको फेंकने की एक वृत्ति है ना, उसको कहते हैं उद्वेग, टेक्निकल बोला। जैसे आपने आंख में कोई क्या हो जाए कचरा इत्यादि हो जाए तो वृत्ति क्या हो जाए, कब इसको निकाल के फेंके, क्योंकि वो प्रतिकूल है। दुख जो है प्रतिकूल है, उस प्रतिकूलता को फेंकने की जो इच्छा है ना उसको बोलते उद्वेग, जानते सुनो, और ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, प्रतिक्रिया, सॉरी, जब दुख आता है तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होगी, इसको हम निकाल के फेंके। जैसे शरीर में रोग आता है तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होती है कि वो जीव रोगाणु को हम निकाल,
शरीर लड़ता है, देखिए उसको दूर करने के लिए, जब शरीर असमर्थ होता है तो फिर औषधि के द्वारा उसको हम निकालते हैं। तो ये दुख है, तनाव है, ये सब प्रतिकूलता है, इसी को कहते हैं दुख, और इसको निकालने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। लेकिन यहां पर क्या कहा, अनुद्ध निद्रा, वो कहता है आने दो दुख, उससे वो झगड़ता नहीं है ज्यादा, उसके साथ उसके से परेशान होता नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि ये दुख जो है ये ज्यादा समय टिकता नहीं। देखो सम रहने के लिए एक उपाय क्या है, बोले थोड़ा धीरज रखिए, जीवन में ऐसा कोई दुख नहीं है जो गया ना, बड़ा अच्छा है, यदि आया है तो जाएगा। सिर दर्द आपको कितनी बार हुआ है? सिर दर्द का एक अच्छा संकेत क्या है कि आपके पास सिर है, उसके पॉजिटिव देखिए, तो दर्द तो आया है लेकिन वो गया है, जाएगा। आगमा पाई न अनित्या, हमको क्या लगता है ये दुख आया है तो अब जाएगा ही नहीं, इसलिए परेशान होते हैं। लेकिन ये कहता है ये सुख दुख कैसे हैं, बोले जैसे आकाश में बादल आते हैं जाते, इसलिए तांति दीक्षस्व भारत आगमा अपारिण नित्या अनित्या, तांति दीक्षस्व भारत। तो ये उसका एक रहस्य है कि वो सम क्यों रह पाता है, बोले उसको मालूम है ये अनित्य है, मैं नित्य हूं, जहां ये सुख दुख आ रहे हैं वो नित्य है। अच्छा स्वाभाविक प्रतिक्रिया सुख के प्रति क्या होती है, बोले कभी जाए न जाए न, लेकिन संस्कृत में एक वाक्य है आगते स्वागतम कुर्या गच्छन्तम न निवारये, बड़ी कोई अच्छी परिस्थिति आई है आ रही है तो आइए आइए स्वागत है, और जा रहे हैं ओके टाटा बाय बाय, हमको तो मालूम ही था कि ज्यादा देर आप नहीं रहोगे, पहले से उसको मालूम है। हर दिन होत न एक समान, तो ये जिसने पहचान लिया वो समझ पाता है। तो सुखेशु विगत स्वभाव, जो बच्चा होता है उसको जब बलून ला के दिया जाता है तो उसको लगता है कि अब ये बलून ऐसे ही बना है, लेकिन बड़े लोगों को मालूम होता है अभी तो दो घंटे में क्या होने वाला है, फूटने वाला है, फूटता है, रोता है। तो ये तो जगत का नियम है, कुछ मिल गया सुख थोड़ा चला गया, सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता। एक व्यक्ति ने कहा मैं सुख दुख में समान तो रह पाता, बोले अरे वाह बहुत बढ़िया, लेकिन बोले दूसरे के सुख दुख में समान रह पाता, मेरे सुख दुख में दुखी हो रहा है, मतलब दुखी मत हो, ये तो आने वाला है, वही तो जो उसको आता है, तो फिर दूसरे का डर न कर ले, अब मैं समझाता हूं। तो ये आदि पंक्ति हम जीते दूसरे से, दुखेश्वर द्विग्रहना सुखेश विगत, लेकिन आत्मज्ञानी व्यक्ति इस जीवन के रहस्य को जानता है। तो ये जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है ये उसको नहीं।